स्वागत है आप सभी का एक बफिस से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में परमेश्वर के प्रेजेंस में प्रभु यीशु मसीह के नाम में हाल और इस दिसंबर के मंथ में हम परमेश्वर के सिद्धांतों को परमेश्वर के नियमों को देख रहे हैं मेरे प्रियो और आज परमेश्वर के वचन से जो परमेश्वर का नियम मेरे और आपके लिए हमको मिलता है वह है दूसरे इतिहास की पुस्तक उसका सात अध्याय उसका चौदह पद जो लगभग हम सभी लोग जानते हैं दूसरा इतिहास सात अध्याय उसका चौदह पद जहां इस प्रकार से लिखा है तब यदि मेरी प्रजा के लोग परमेश्वर इस नियम को दे रहा है और कह रहा है इस सिद्धांत को देकर कि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और अपने दर्शन के खोजी और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें तो मैं स्वर्ग से सुनकर स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यो का त्यों कर दूंगा उनकी परिस्थिति को ज्यो का त्यों कर दूंगा उनके जीवन को उनके परिवार को मैं उनके घरों को ज्यो का त्यों कर दूंगा मैं बदल दूंगा मैं नया बना दूंगा और मैं परिस्थितियों को बदल दूंगा हाले परमेश्वर जो है वो हमसे कह रहा है आज इस नियम को दे रहा है फाइट ऑल योर बैटल्स ऑन योर नीज वचन बताता है कि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है बल्कि अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है हमें लड़ने के लिए हा? जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए गया शाउल के शाउल राजा के वहां पर उसको बहुत उसको भाले दिए गए उसको तलवार दी गई उसको वो युद्ध के वस्त्र पहनाने के लिए कहा गया लेकिन क्या हुआ उसने कहा कि नहीं भाले तलवार से नहीं मैं यहोवा के नाम से जाऊंगा हालेलुया, क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं बल्कि उन अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है हमें इस बात को समझना है कि हमें अपनी हर एक लड़ाई को घुटनों के ऊपर पर लड़ना है घुटनों के ऊपर बैठ कर लड़ना है फाइट वी हैव टू फाइट ऑल द बैटल्स ऑन अवर नीज जब भी कोई ऐसी परिस्थिति हो जब भी कुछ ऐसी बात हो हमें घुटनों पर आ जाना है हमें प्रार्थना में आ जाना है और परमेश्वर के समर्पित कर देना है परमेश्वर कहता है खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो आज परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा परमेश्वर आप ही तुम्हारी लिए लड़ेगा वो आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा परमेश्वर यदि हमारी ओर से लड़ रहा है परमेश्वर कहता है तुम मत लड़ो मैंने तुम्हें लड़ने के लिए नहीं बुलाया है हालेलुया तुम मत लड़ो हाली परमेश्वर कहता है खड़े रहो और खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो आज मैं तुम्हारे लिए करता हूं परमेश्वर चाहता है कि हम घुटनों पर अपने सारे बैटल्स को लड़ें हम प्रार्थना में हर एक बात को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें जब हम खुद लड़ना चाहते हैं इसका मतलब हम अपने ऊपर भरोसा कर रहे हैं लेकिन जब हम परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंप देते हैं और परमेश्वर लड़ता है हमारे लिए तो ये इस बात को दर्शाता है कि हम अपने ऊपर भरोसा नहीं रखते हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं और यदि परमेश्वर कोई युद्ध लड़ेगा तो कभी भी हारेगा नहीं देखिए परमेश्वर इस बात को क्यों चाहता है कि हम कोई भी युद्ध ना लड़ें परमेश्वर को दे दें क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मैं यदि युद्ध लड़ूंगा तो मेरे बच्चे कभी भी नहीं हारेंगे वो हमें जीत देना चाहता है वो हमें चाहता है कि हम जीते इसलिए वो हमारी ओर से लड़ना चाहता है हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते कितना महान परमेश्वर है मेरे प्रियो जो हमेशा हमारा ध्यान रखता है हमारी ओर रहता है हाले अपने बलवंत हाथ को हमारे ऊपर बनाकर रखता है अपने दाहिने हाथ के नीचे हमें हमेशा अच्छा सुख से रखता है कितना महान हमारा परमेश्वर है तो हमें केवल प्रार्थना करनी है हर एक बात को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है परमेश्वर पर अपने पूरे भरोसे को बना के रखता है रखना है एंड प्रेयर एंड ओबीडियंस टू गॉड प्रार्थना और आज्ञाकारिता जब हम परमेश्वर के प्रति दिखाते हैं द बिब्लिकल अप्रोच टू ओवरकम ऑल ऑफ अवर ट्रबल्स वो हमारे हर एक परेशानी में बाहर आने के लिए उस पर जय पाने के लिए जो है वो परमेश्वर के वचन में दिया गया एक सिद्धांत है कि हमें अगर अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति के ऊपर जय पानी है ओवरकम होना है उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है और आज्ञाकारिता में जीवन बिताना है प्रार्थना कब काम में आएगी जब हम आज्ञाकारिता में चलेंगे हाल प्रभु के लिए परिश्रम करेंगे प्रभु के लिए दौड़ेंगे प्रभु के लिए भूखे और प्यासे होंगे प्रभु के लिए आत्माओं को जीतेंगे प्रभु के लिए दीवाने हो जाएंगे प्रभु के लिए परिश्रम करेंगे हाल वचन को दिन रात पढ़ेंगे हले ओ प्रभु की महिमा हमारे जीवन से होगी तो क्या होगा हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा प्रार्थना करना सिर्फ प्रार्थना करना उत्तर लेकर नहीं आएगा प्रार्थना करना और प्रयास करना उत्तर लेकर आएगा प्रार्थना करना और सिर्फ प्रार्थना करना उत्तर लेकर नहीं आएगा प्रार्थना करना और प्रयास करना उत्तर लेकर आएगा हमें कोशिश करनी है हमें प्रयास करना है परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंपना है पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें आगे बढ़ना है हाले परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंपते हुए परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंपने का मतलब ये नहीं है कि अब हमें बस बैठ जाना है और जो जो मन में आए वैसा अपना जीवन बिताना है खाना है पीना है मौज करनी है टीवी देखना है और बेकार की बातों में अपने समय को बर्बाद करना है सोना है खाना है पीना है ऐसी लाइफ हमारी नहीं होनी चाहिए हाल एक श्रापित जिंदगी होती है जो ऐसी जिंदगी होती है एक आशीषित जिंदगी कौन सी जिंदगी होती है एक आशीषित जिंदगी वो जिंदगी होती है जिसमें प्रभु के प्रति प्रेम दिखता है जिसमें प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता दिखती है हाले लोहिया जिसमें ना केवल प्रार्थना है बल्कि प्रयास भी है जिसमें ना केवल वचन को पढ़ा जा रहा है बल्कि वचन के अनुसार जीवन को बिताया जा रहा है हाले बहुत कुछ है करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत कुछ है करने के लिए यदि आप मुझसे पूछें कि पास्टर जी ये मेरी लाइफ है ये मेरा जीवन है मैं क्या कर सकता हूं मैं आपको आप एक बोलते हैं मैं आपको एक करोड़ चीजें बता सकता हूं जो आप प्रभु के लिए कर सकते हैं करेंगे क्या करिए मुझे फोन मैं बताता हूं आप क्या क्या कर सकते हैं प्रभु के लिए और लोग पता है वो सोचते हैं कि हम करते हैं हम करते हैं हम करते हैं लेकिन वो एक परसेंट भी पूरा नहीं कर रहे हैं। जो वो कर सकते हैं बहुत कुछ है बहुत कुछ है करने के लिए मैं तो मैं तो इतना कुछ प्रभु के लिए नहीं कर पाता हूं फिर भी कोशिश करता हूं कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं तब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतनी कम उम्र में भारत के इतने सारे राज्यों में चले गए विदेशों में चले गए टेलीविजन पर पहुंच गए एक हजार से ज्यादा गाने लिख लिए आपने कैसे इतनी कम उम्र में इतना कुछ कर लिया मैं कहता हूं कि यह तो एक परसेंट भी नहीं है जो मैं प्रभु के लिए कर पाया हूं इतना कुछ है प्रभु के लिए करने के लिए करने वाला व्यक्ति होना चाहिए बस करने वाला व्यक्ति होना चाहिए एक जुनून होना चाहिए एक जोश होना चाहिए एक एक उत्साह होना चाहिए प्रभु के लिए भूख और प्यास होनी चाहिए ओ क्या नहीं हो सकता मैं आपको बताऊं क्या नहीं हो सकता सब कुछ हो सकता है अगर करने वाला व्यक्ति हो तो सब कुछ कर सकता है नहीं करना नहीं करने वाला व्यक्ति है तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा मैं आपको बताना चाहता हूं सब कुछ हो सकता है एक पांच साल का बच्चा भी पांच हजार चीजें प्रभु के लिए कर सकता है एक बीस साल का जवान बीस लाख चीजें प्रभु के लिए कर सकता है एक पैंतीस साल का चालीस साल का व्यक्ति जो है करोड़ों में चीजें परमेश्वर के लिए कर सकता है करने वाले हमको बनना है हमको प्रयास करना है बहुत कुछ है जो हम प्रभु के लिए कर सकते हैं मेरे प्रियो हालेलुया परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे तो आज यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं जब हमने परमेश्वर के इस नियम को सीखा है कि हमें सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंपना है प्रार्थना करनी है आज्ञाकारिता में जीवन बिताना है और लगातार प्रयास करना है तो इस सिद्धांत को सीखने के बाद आज आपने क्या निर्णय लिया है और उसे आप कब से शुरू करेंगे अगर आप कहते हैं कल से शुरू करेंगे तो कल कभी नहीं आएगा अभी से अगर आप शुरू कर देते हैं और अभी से आप सबसे पहले कमेंट कर, कर आंसर देते हैं और उसके बाद आप शुरू कर देते हैं तो कुछ हो पाएगा अगर आपने बाद के लिए छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं हो पाएगा निर्णय लें और शुरू कर दें शुरू करें ना शुरू कर दें अरे परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। गॉड ब्लेस यू बहुत कम समय बहुत कुछ है जितना लेट हो, करोगे आप उतना लेट हो जाओगे और लेट हो गए तो आपकी जो आपका जो प्रतिफल है वो भी उतना कम होता जाएगा जितने आप लेट होते जाओगे आपका प्रतिफल उतना कम होता जाएगा हजार वर्ष के राज्य में आपकी पोजीशन उतनी नीचे होती जाएगी इसलिए तैयारी करें परमेश्वर आपके साथ है उसका आत्मा मौजूद है हमें बल शक्ति बुद्धि सामर्थ्य देने के लिए परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे गॉड